दोस्तों सिस्टम बनवाने जा रहे हो या लैपटॉप, उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि है प्रोसेसर। मार्केट में आप सबको मेनली दो ही ब्रांड जो है वो प्रोसेसर बनाती है, जो कि है पहला है AMD Ryzen का और एक Intel बनाती है। आप में से बहुत सारे लोग यही दोनों प्रोसेसर रिकमेंड करते हैं या अपने सिस्टम बनवाते टाइम यूज या उसको सेटअप करवाते हैं। और लिटरली यार आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या आप सबको AMD के साथ या क्या आप सबको Intel के साथ प्रोसेसर के साथ जाना चाहिए। लैपटॉप ले रहे हो तो क्या आप सबको AMD का लैपटॉप लेना चाहिए या लैपटॉप ले रहे हो तो क्या इंटेल का लैपटॉप सही रहेगा? कौन सा तेज चलेगा? गेमिंग के लिए कैसा रहेगा? GTA 5 खेलते हो तो कौन सा प्रोसेसर बेस्ट रहेगा? कोडिंग करते हो तो कैसा रहेगा? वीडियो एडिटिंग करते हो तो कौन सा प्रोसेसर बेस्ट रहेगा? सब कुछ बताने वाला हूं आज की वीडियो में। और अंदर से मैं काफी ज्यादा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। जितने भी मैं आप सबको डेटा सब कुछ बताऊंगा ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बताऊंगा, बिकॉज मैंने खुद पर्सनल, मेरे पास एक लैपटॉप है जिसमें AMD Ryzen प्रोसेसर डाला हुआ है और इंटेल का भी बहुत सारे प्रोसेसर, मेरे सिस्टम जो मेन सिस्टम है उसमें इंटेल का प्रोसेसर डाला हुआ है। तो सब कुछ अपने पर्सनल बिहाफ पे मैं बताने वाला हूँ, आप सबके साथ ये सारी चीजें शेयर करूंगा। सो अब नजर बात करते हो, मेरा नाम पंकज, आप देख रहे हैं अनमैच टेक। अब नजर बात करते हो इसी पावर एनर्जी के साथ, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखो सबसे पहली चीज आती है, दोनों ही प्रोसेसर लेने जा रहे हो तो सबसे बड़ी चीज होती है प्राइसिंग, क्योंकि देखो हम इंडियन लोग ना सबसे ज्यादा पैसों के लेके बहुत ज्यादा लाइक इंपॉर्टेंस देते हैं। तो देखो यूजली अगर आप सब AMD का प्रोसेसर लेने जाओगे तो वो आप सबको इंटेल के कंपैरिजन काफी ज्यादा कंपेयर करोगे तो सस्ता मिल जाएगा। इसका एक बड़ा रीजन इसलिए है क्योंकि इंटेल जो एक आप सबको बिगर ब्रांड वैल्यू प्रोवाइड करता है, इसके वजह से जो प्राइस का डिफरेंस है वो इंटेल का ज्यादा रहता है। आप सब देखने भी जाएंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन तो आप सबको इंटेल का i5 12th जनरेशन 30,000 के रुपीस अराउंड में रहता है, और वही आप सब Ryzen 5 का कोई प्रोसेसर देखेंगे जो कि i5 के जितना होता है तो वो आप सबको अराउंड 16,000 से 17,000 का रहेगा, मतलब आधा रेट हो जाता है Ryzen। अगर आप सब देखते हैं Ryzen के प्रोसेसर काफी ज्यादा अफोर्डेबल रहते हैं आप सबके लिए। प्राइसिंग वाइज अगर आप सबका लिमिट एकदम प्राइसिंग वाइज एकदम कॉम्पैक्ट है तो आई थिंक आप सबको Ryzen के ट्राई करने चाहिए। बट अभी रुको, बहुत सारे पॉइंट रह गए। ये वाला पॉइंट ना आप सबके लिए लिटरली बहुत काम का हो सकता है, क्योंकि देखो प्रोसेसर ले रहे हो, वेब ब्राउजिंग करनी है, मल्टीटास्किंग करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है। देखो ये तीन चीज होती है बेसिक्स, आप सब अपने लैपटॉप ले रहे हो या सिस्टम बनवा रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पीसी बनवाओगे तो AMD का प्रोसेसर डलवाओगे, नो डाउट आप सबको बजट में अच्छा खासा पीसी मिल जाएगा। वही आप सब इंटेल में जाते हो, सब मल्टीटास्किंग करते हो, वीडियो एडिटिंग करते हो तो आप सबके जो इंटेल का प्रोसेसर है ना वो काफी ज्यादा टाइम इफिशियंट है, मतलब बहुत तगड़ा रहेगा। और देखो डेस्कटॉप वर्जन के लिए तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा आप सबका इंटेल का प्रोसेसर काफी तगड़ा रहेगा। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, मेरे पास Ryzen का एक लैपटॉप है जिसमें Ryzen का प्रोसेसर डाला हुआ है, Ryzen 3 सीरीज का, और टू बी ऑनेस्ट बताऊं लाइक उतनी बेस्ट एक्सपीरियंस नहीं दे पाता है वो Ryzen का प्रोसेसर, और जो लैपटॉप में डाला हुआ है लैपटॉप थोड़ा बहुत लैग भी करता है। वही मैंने देखा, मेरे पास एक और लैपटॉप है जो कि है इंटेल का, उसमें इंटेल का प्रोसेसर डाला हुआ है, और अगर मैं साइड बाय साइड कंपैरिजन करके भी अपने ओपिनियन से बताऊं तो लिटरली इंटेल का i3 प्रोसेसर काफी तगड़ा परफॉर्म करता है अगर मैं Ryzen 3 के कंपैरिजन में बात करूं। जो भी मल्टीटास्किंग है, जो कोर्स है, आप सबको इंटेल में बेस्ट वैल्यू देंगे। अगर आप सब लैपटॉप वाइज देखोगे तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा कॉम्पैक्ट चीज में आप सबको लैपटॉप में होती है तो प्रोसेसर मैं आप सबको इंटेल ही सजेस्ट करूंगा, फिर वो चाहे मल्टीटास्किंग के लिए हो, आप सबको कोडिंग करनी है या वीडियो एडिटिंग करनी है, इंटेल आप सबको बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, और मुझे पता है इस पॉइंट के लिए आप सब बहुत देर से रुकेंगे, जो कि है गेमिंग के लिए। लाइक पंकज भाई, गेमिंग के लिए कौन सा प्रोसेसर तगड़ा होगा, क्या इंटेल या AMD? तो सीधा सीधा सा जवाब है, आप सब डेफिनेटली अगर गेमिंग करनी है, किसी भी लेवल की गेमिंग करनी है, तो मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा इंटेल के प्रोसेसर के साथ जाओ। सीधा सीधा इंटेल यहाँ पे क्लेम करता है कि हमारा जो प्रोसेसर है वो गेमिंग के लिए बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड करेगा, और मैं यहाँ पे कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं लिटरली मैं गेमिंग के लिए, मतलब मेरे पास सिस्टम है अपना पर्सनल जिसमें मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ, उसमें i5 का 12th या 10th जनरेशन लगा हुआ है, और लिटरली उसमें मैंने GTA 5, कॉल ऑफ ड्यूटी, CS:GO, लाइक जितनी भी टाइप की गेम्स होती है, फॉर्टनाइट जैसी हैवी गेम्स, मैंने सारी ट्राई कर रखी है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, कोई दिक्कत नहीं आती, आप सबको मस्त एक्सपीरियंस मिलेगा। मैं इंटेल का खुद पर्सनल यूजर हूं तो मैं डेफिनेटली उसके बिहाफ पे बता रहा हूं, ऐसे कोई स्पॉन्सर नहीं है इंटेल की तरफ से। वही आप सब AMD प्रोसेसर के साथ गेमिंग करोगे तो सीधी सी बात है, अगर आप सब AMD के 5 सीरीज के ऊपर के लेते हो तो डेफिनेटली यहां कोई दिक्कत नहीं होगी, वो आप सबको बड़े आराम से गेमिंग शेमिंग करा देगा। अगर आप सब बजट में देखते हो, बजट में अगर आप सबका है, अगर Ryzen 3 या उसके नीचे वाले देखते हो, तो वो आप सबको बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेंगे, फिर वहां पे आप सब Intel i3 या i5 के साथ जाना, बड़े आराम से गेमिंग करके देगा। गेमिंग वाइज अभी करंटली मार्केट में Intel के टक्कर में है ही नहीं कोई। देखो अगर आप सब सीधा सीधा चाहते हो कि एक स्पेसिफिक गेमिंग कंप्यूटर, गेमिंग लैपटॉप, तो आप सब Intel के प्रोसेसर के साथ ही जाना, आपके भाई का भरोसा करो। और एक पॉइंट और आता है जो कि है लंबे समय के लिए कौन सा प्रोसेसर अच्छा रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए भी मैं बताऊं पर्सनली Intel
की जो ब्रांड वैल्यू है, इंटेल का जो सपोर्ट आप सबको देखने को मिलता है ना, वो एएमडी से कहीं ज्यादा है। बिकॉज तगड़ा आप सबको एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, इंटेल का प्रोसेसर बहुत लंबा चल जाएगा खींच के आराम से। और इसीलिए यहाँ पे यूजली 70% ऑफ जो कंप्यूटर बनवाते हैं लोग, वहां पे इंटेल का प्रोसेसर ही रिकमेंड करते हैं। एज कम्पेयर टू एएमडी, जो इंटेल के प्रोसेसर होते हैं उसकी लाइफ स्पैन भी काफी ज्यादा होती है, मतलब बहुत लंबा चल जाएगा आप सबका कोई भी प्रोसेसर है। तो देखो लास्ट में मेरा क्या ओपिनियन है इस चीज में, अगर आप सबका बजट टाइट है और पीसी बनवाना है या लैपटॉप बनवाना है, मैं डेफिनेटली बोलूंगा इंटेल के साथ ही बनवाना, थोड़ा कम भी चलेगा, थोड़ा सा प्राइस ज्यादा रहेगा, बट कोई दिक्कत नहीं है यार। लंबा सोचोगे तो आप सबको पता ही है लंबी चीज काफी ज्यादा सस्टेनेबल रहती है, तो इसके वाइज मैं आप सबको इंटेल ही बोलूंगा। अगर आप सबका बजट कम है फिर आप सब एएमडी सेलेक्ट कर रहे हो तो आप सबको बेस्ट वैल्यू बिल्कुल प्रोवाइड नहीं करता एएमडी का प्रोसेसर। बट हाँ, अगर वही आप सबका बजट मिड रेंज के ऊपर जाता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है पैसे वैसे की और गेमिंग लैपटॉप चाहिए, तो आप सब एएमडी के भी प्रोसेसर ट्राई कर सकते हो, राइजन 5, 7 बहुत सारे इसमें आते हैं। बाकी इंटेल में तो आप सबको पता ही है, अगर बढ़िया भी बना रहे हो तो यार इंटेल का i7 i9 ले लो, कोई दिक्कत नहीं होगी लंबे समय के लिए। यहाँ पे मैं अपने पर्सनल ओपिनियन से बताऊं, आप सब कोई भी प्रोसेसर बनवाने जा रहे हो तो मैं डेफिनेटली आप सबको रिकमेंड करूंगा इंटेल का प्रोसेसर ट्राई करना। बिकॉज इंटेल में क्या है, हर चीज, वीडियो एडिटिंग, मल्टीटास्किंग, वेब ब्राउजिंग, सारी चीजें इंटेल बड़े आराम से संभाल सकता है। बट एएमडी यार मैं उतना सजेस्ट नहीं करूंगा, मैंने खुद भी चला रखा है एएमडी के प्रोसेसर और लैपटॉप भी उतने सफिशिएंट नहीं होते, मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊं तो। बाकी आपके ऊपर है, मैं दोनों के ही आप सबको एकदम क्लियर कट आंसर भी दे चुका हूं। वीडियो कैसी लगी है यार प्लीज एक बार कमेंट करके बताना, कोई भी डाउट है रिगार्डिंग क्या लेना चाहिए क्या नहीं तो आप सब कमेंट कर सकते हैं, आपका भाई आपको जवाब दे देगा वहां पे। बाकी आप सब बताना नया सेटअप कैसा लग रहा है, और हम मिलते हैं आप सबको ऐसे ही अनदर और एनर्जेटिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय-बाय।